दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गोयल प्रकाश मिशन हॉस्पिटल कहाना से। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हील पेन के बारे में और उसका क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं। हील जैसे हम एडी में कहते हैं कि बहुत दर्द होने लग जाता है, कई बार पेशेंट को चलने तकलीफ होती है या बैठे बैठे भी हील जो एडी में दर्द रहने लग जाता है। जो इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है वो लेडीज जैसे खड़े खड़े ज़्यादा काम करती हैं रसोई में, उसमें ज़्यादा हो जाता है, या कई पेशेंट ओवरवेट होते हैं, अबीस होते हैं, उनमें भी जैसे तो एडी पे जैसे लोड ज़्यादा आता है तो भी हो जाता है। प्रैक्टिकली मेडिकल टर्म में हम इसको प्लांटर फेशियटिस कहते हैं। तो इसमें जो नीचे एडी से लेकर टूस जो होते हैं अपने जो पैर की उंगलियां होती हैं तो वहां तक एक अटैच होता है फेशिया, उसमें ये सोजिश आ जाती है, उसकी वजह से ये दर्द होने लग जाता है। जो एक्सरे कई बार हम करते हैं, कई बार उसमें हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई आ जाती है एक साइड पे, जो हम जिसको कलकेनियम कहते हैं। तो पेशेंट कई बार ऐसे डाउट में पड़ जाते हैं, ये डॉक्टर साहब ये हड्डी काटनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इसका और कुछ नहीं, एक्सरसाइज या वैसे मेडिसिन दी जाती है, मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में शुरू में जो हम देते हैं नॉर्मली थोड़े बहुत एनर्जेसिक्स, जो आप सब जानते हो, पैरासीटामोल, निमोसलाइड, एस्टोफिनेक, ब्रूफेन, कोई भी दे सकते हैं अलोन या कम्बिनेशन में। तो साथ में जो हमारा स्ट्रेस इसमें हील पेन में रहता है वो एक्सरसाइज पे रहता है। एक्सरसाइज मोस्टली जो हम कराते हैं, फर्स्ट जो मैं खुद करवाता हूँ पेशेंट्स को, वो पैर को रोटेट करने की, जैसे पैर को हम जीरो में घुमाते हैं, जीरो बना के वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको कहता हूँ घुमाओ, वो 10-15 मिनट उसको एक्सरसाइज करने को बोलता हूँ। प्रैक्टिकल ये भी कह देता हूँ सारा दिन आप बैठे करते रहो, जब भी आप दोनों पैरों की अलग अलग तरीके से, तो उससे जो हमने देखा है रूटीन में तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सेकंड जो मेडिकली हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं वो दोनों पैरों को 1 मिनट गर्म पानी में रखना होता है, फिर उससे निकाल के 1 मिनट ठंडे पानी में रखना होता है, इससे भी जो सोजिश है वो चली जाती है। कई बार हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पेशेंट वैम करते हैं, ये डॉक्टर साहब हमारे गर्म सर तो नहीं हो जाएगा, तो हम ऐसे भी कहते हैं चलो ठीक है आप गर्म पानी में रखियो 1 मिनट, फिर उससे निकाल के फिर गर्म पानी में रख लियो, या लगातार ही 10-15 मिनट गर्म पानी में रख लियो, तो इससे भी काफ़ी रिलीफ आ जाता है पेशेंट्स को। और बाकी जो एक्सरसाइज होती है पैर की ही है, उसको रेस्ट देना है, कैसे मालिश करनी है, थोड़ा बहुत उन्हीं से फर्क पड़ता जाता है। जो थर्ड जो शूज हम एडवाइस करते हैं वो नरम हो, कंफर्टेबल हो, उससे भी थोड़ा रिलीफ काफ़ी रहता है पेशेंट्स को। दोस्तों, मैंने अभी स्केचेस के जूते खरीदे तो बड़े वो स्पंजी, तो कह लो जंप सा आता है, वो कंफर्टेबल है, तो उसमें मेरे ख्याल काफ़ी आरामदायक फील कर सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें लास्टली अगर कई बार ना फर्क पड़े तो हम पेशेंट को कहते हैं कि एडी में टीका लगवा ले, तो उससे भी जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड होता है कैनाकोट वगैरह, उसको लिग्नोकेट में मिक्स करके हम लगा देते हैं, उससे 80-90% पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। बाकी तो इसमें रेस्ट करो या थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक हो जाता है, ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।